माध्यम को कौन सूचना दौंती सीधा सड़क सुनवा। उस वक्त चीनी दूतावास के अधिकारियों को कौन रात्रि भोज दे रहा था, वो उनकी शोध का विषय था क्या? अगर था तो उसका नतीजा क्या हुआ? जब उनकी सरकार थी तो 2006 में भारत में चीन के दूतावास ने पूरे अरुणाचल और पूरे नेपाल पर दावा कर दिया, वो उनकी शोध का विषय था क्या? अगर शोध हुई तो उसका नतीजा क्या हुआ? 25 मई 2007 को चीन ने कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री दोरजी खंडू को वीजा देने से इनकार कर दिया, क्योंकि ये तो हमारा ही हिस्सा है अरुणाचल, ये भी शोध किया गया क्या? 13 अक्टूबर 2009 को मनमोहन सिंह की अरुणाचल यात्रा पर चीन ने आपत्ति जताई, वो आपने जांच किया है क्या? और 2010 में चीन ने जम्मू कश्मीर के लोगों को ट्रैवल वीजा जारी करने की प्रथा शुरू की, ये भी क्या आपका शोध का विषय था? 2011 में कांग्रेस सरकार ने चीन की धमकी के बाद हमारे रोड और वाइटल बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर्स का निर्माण डैम चौक में रोक दिया, ये क्यों रोका गया इसकी भी शोध की है। मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, ये दोहरा दोगला रवैया जनता के सामने नहीं चलता है, जनता सब देख रही है। आपके परिवार द्वारा चलाया गया फाउंडेशन, उसका FCRA रजिस्ट्रेशन चीन की दूतावास से मिले हुए अनुदान से समाप्त हुआ है। आपके ही समय में हजारों किलोमीटर भूमि अवैध रूप से हमसे हड़प ली गई है। आपके ही समय में हमें मिली हुई सुरक्षा परिषद की सदस्यता आपने निजी संबंधों को बनाने के लिए चीन की भेंट कर दी है। ये सारी जनता इस सभी विषयों को जानती है। मैं इतना स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी इसके प्रधानमंत्री है, और जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है, एक इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। कल अपने सेना के जवानों ने जो 8 की देर रात को और 9 की सुबह को जो वीरता दिखाई है, मैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। इन्होंने घुसे हुए सभी लोगों को कुछ ही घंटों में वापस खदेड़ दिया और हमारी भूमि का रक्षण किया है। राजीव गांधी फाउंडेशन के FCRA लाइसेंस रद्द होने का एक दूसरा भी कारण था, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के जिसका प्रणेता जाकिर नायक है, जाकिर नायक को पूरा देश जानता है, उनसे भी 7 जुलाई 2011 को 50 लाख रुपया राजीव गांधी फाउंडेशन ने प्राप्त किया था। मैं पूछना चाहता हूं राजीव गांधी फाउंडेशन के कर्ता धर्ता जो कांग्रेस की फैमिली पार्टी है उसी के सदस्य हैं, तो आपको ये पैसा जाकिर नायक ने किस मकसद के लिए दिया था, इसकी भी स्पष्टता देश की जनता के सामने होनी चाहिए। धन्यवाद। गृहमंत्री अमित शाह जो भाव में गणमाध्यम को बृति देते आप शुणुते भारतीय सेना को भूरी भूरी प्रशंसा करी। अरुणाचल प्रदेश LSA निकट में भारत और चीन सेना जिते मुहांमुही परिस्थिति उपजी और भारतीय सेना यार मुह तोड़ जवाब भूरी भूरी प्रशंसा करी गृहमंत्री अमित शाह एवं किसी समय पर प्रतिरक्षा मंत्री बृति रखे संसद में वर्तमान LSA प्रसंग को नहीं संसद में हंगामा देखा मिलता किसी समय पूर्व उभय लोकसभा और राज्यसभा विरोधी माने हट्टगोल करते 12 पर्यंत गृह को मुलतवी घोषणा कर आशा कर 12 पर गृह स्वाभाविक भाव में चलो।